राज्यों के विशिष्ट जनों को समाज सेवा, शिक्षा एवं नवाचार के लिए आदर्श सेवा रत्न, शिक्षा रत्न एवं आदर्श कर्म योद्धा से सम्मानित किया गया। आदर्श युवा समिति ने आदर्श संस्कार शाला कार्य परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन वर्चुअल सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में लोगों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान दिया गया और इसमें आपको बता दें कि वृंदावन के रुक्मणी धाम स्थित ब्रिज प्रोडक्शन स्टूडियो का बड़ा योगदान रहा। संस्था ने जोधपुर राजस्थान की डॉक्टर रितु मवार को बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के अपने शोध एवं प्रयोग, पुणे महाराष्ट्र के प्रशांत गौड़े को सस्ता स्वदेशी वेंटिलेटर बनाने एवं डॉक्टर भरत राज सिंह को विज्ञान के नव प्रयोगों, लखनऊ के टीवी पत्रकार आलोक राजा को विशेष रूप से सम्मानित किया। साथ ही गौरव शर्मा, कीर्ति विक्रम सिंह व मुकेश सिंह को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया। मथुरा से ऋतु शर्मा पराशर को समाज सेवा के लिए मृत्युपरांत एवं छाता के गौरव अविरल शास्त्री को कर्मयोद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मथुरा के लोकेश शर्मा एवं रचनाकार भारती शर्मा, रंगकर्मी मुकेश शर्मा, लोकेंद्रनाथ कौशिक, शिक्षक विनेश शर्मा, रमाशंकर पांडे, कवि एवं पूर्व प्रधानाचार्य जीके श्रीवास्तव को आदर्श शिक्षा रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था को बधाई देते हुए भगवत वक्ता देवकी नंदन ठाकुर जी ने महाराज ने कहा कि समाज में पीड़ितों के बीच रहकर उनके उत्थान की बात की तो रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आने वाले 15 सालों में भारत हर क्षेत्र में महाशक्ति बन सकता है। कार्यक्रम में गांधीवादी लेखक एवं मोटिवेटर आर के पॉलीवाल, कवित्री एवं लेखिका डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अतुल सिंह गहरवार आदि के साथ ही अन्य सहभागियों ने शिक्षा संस्कार एवं समाज के प्रति दायित्वों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम आयोजन में संस्था राष्ट्रीय संयोजक अतुल उपाध्याय, अध्यक्ष श्रीकांत शास्त्री, सुबीर सेन, इंजीनियर आकाश राघव, शांतनु उपाध्याय, गौरी शंकर, जगदीश वर्मा, समंदर राम प्रकाश शर्मा, आशुतोष उपाध्याय, रिहान शकील, मोहन अभिषेक आदि ने सहयोग किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का सफल संचालन देश के जाने माने पत्रकार दीपक गोस्वामी ने किया, जिनकी भाषा और लेखनी पर खासी पकड़ है।